हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही झटपट बन जाती है, साथ ही साथ बहुत हेल्दी। तो यहाँ इंग्रेडिएंट में मैंने ले लिया है लगभग 3/4 कटोरी मैदा, एक कटोरी सूजी, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, एक काकड़ी जो कि मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, एक बड़ा साइज प्याज बारीक कटा हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसे हम बीच बीच में चलाते भी जाएंगे थोड़ा थोड़ा। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक, और अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने जो सब्जियां ली है वो मुझे जो चाहिए थी वो मैंने ऐड की है। आपको अगर कोई और सब्जी इसमें ऐड करना है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च और गाजर, ये सब सब्जियां भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था तो इसमें मैंने थोड़ा और पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि हम इसे लगभग आधे से 1 घंटे के लिए हम इसे फूलने के लिए रख देंगे, तो इसमें थोड़ा सा ये और थिक हो जाएगा, सूजी जो है वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके लिए हम इसे थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं ढककर लगभग 30 मिनट के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, ये देखिए कितना थिक हो चुका है ये, जैसे हमने इसे रखा था उससे ज़्यादा, क्योंकि सूजी ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हमारा ये बैटर एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें तड़का लगा देंगे। इस तड़के में मैंने कड़ी पत्ता और सरसों यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग मिर्ची वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए वे थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसे मिक्स कर देंगे। तो यहाँ मैंने एक तवा ले लिया है और इसमें तेल लगा दिया है एकदम अच्छी तरह से, ज़्यादा तेल नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ही लगाएंगे क्योंकि इसे हम एकदम हेल्दी बना रहे हैं, तो ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करेंगे। और अब हम बैटर को इस पर स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फैला दिया है और अब इसे ढककर हम लगभग 1 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए लगभग 1 मिनट हो चुका है और अब हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे।
तो ये देखिए ये लगभग एक तरफ से अच्छी तरह से सेक चुका है, तो अब हम इसे पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। अब इस तरफ भी हम लगभग 30 सेकेंड के लिए ढककर पकाएंगे ताकि इस तरफ भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए 30 सेकेंड हो चुके हैं और इस तरफ भी पक चुका है। हम चेक कर लेते हैं एक बार नीचे की तरफ। इसे मैं इस तरह से इसलिए दबा रही हूँ क्योंकि अगर इसमें जो हमने काकड़ी यूज़ किया है उसमें पानी होगा थोड़ा बहुत तो वो जल जाएगा, तो ये थोड़ा सा और क्रिस्पी लगेगा। देखिए हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ताकि थोड़ा और क्रिस्पी हो जाए। हम चेक कर लेते हैं तो ये देखिए इस तरह से भी हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, तो ये एकदम अच्छी तरह से पक चुका है। इसे और 30 मिनट तक इसी तरह से ओपन करके पकाएंगे। तो ये देखिए अभी एकदम अच्छी तरह से पक चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को सॉस, मेयोनीज, हरी चटनी, पुदीने की चटनी सभी के साथ खा सकते हैं। कैसे लगी आपको ये रेसिपी? आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और आपका जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा। और इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।